वेद आपको मंत्र देकर जा रहे हैं। अगर आपको बात समझ में आए तो आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिल जाएगा। वोट जिसको देना है दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। वोट चाहे लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए, जिसको मन हो उसको दीजिए, लेकिन अगली बार जब वोट देने जाइए तो वोट के दिन स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। जब नेता आएगा तो कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा जात के लिए दीजिए, कोई कहेगा धर्म के लिए दीजिए। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, जिस दिन वोट देने जाइए तो वोट किसी के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आपको तो वोट बेचने भी नहीं आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेके वोट देते हैं, वही जीतने के बाद जब आता है आपके हलक में उंगली डाल के 5000 रुपया निकालता है, तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। यही बात बताने आए हैं। अभी जहां जाइए, जिस गांव में जाइए, आदमी खड़ा होके कह रहा है, हे भैया मुखिया जी कामे नहीं कर रहे, मुखिया बड़ा चोर है, नाली गली नहीं बनवाए हैं, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लग रहा है, इंदिरावास में 25000-30000 पैसा लग रहा है। तो जरा याद कीजिए, ऐसा चीज सुन लीजिए, न तो इसी दुर्दशा में जीवन आपका बीतेगा, सुधरेगा नहीं, बतियाते रह जाइए। वोट नहीं मांग रहे हैं, दम मत दीजिए, बहुत कड़ा बात बोलते हैं। बात समझिए, आप लोग का दुर्दशा क्यों है पहले आप समझिए, नहीं तो नहीं जीवन सुधरेगा। यहां कहता है कि मुखिया चोरी कर रहा है, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पर वोट का सौदा किए आप, आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिचंद होगा।